रुकने की अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद को बढ़ा दिया गया है और ये मियाद अब अगले साल मार्च तक मिलती रहेगी। बताते चलें कि दरअसल मुफ्त राशन पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं यहां पर, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यानी कि अगले साल मार्च तक अब मुफ्त राशन लोगों को मिल सकेगा। ये मियाद जो है पहले नवंबर तक की थी, लेकिन अब इस मियाद को बढ़ा दिया गया है। दरअसल अब अगले साल तक मार्च के महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा सकेगा। ये जो योजना है कोरोना काल में कड़ी चुनौतियों को देखते हुए उठाई गई थी और इस योजना की जो अब मियाद है उसे बढ़ा दिया गया है और अगले साल मार्च तक लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से ये एक बड़ी घोषणा यहाँ पर दी गई है, जहां पर ये जानकारी साझा करते हुए अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद बढ़ा दी गई है और अगले साल मार्च के महीने तक मुफ्त राशन गरीबों को मिलता रहेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी साझा की। दरअसल आपको बता दें कि गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा था, जिसकी मियाद पहले भी उत्तर प्रदेश में बढ़ा दी गई है, साथ ही कई राज्यों में इस मियाद को बढ़ाया गया है और अब आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी गई है। खुद अनुराग ठाकुर ने एक बैठक की और उसके बाद इस बात की जानकारी साझा की है कि अगले साल मार्च तक अब गरीबों को और जरूरतमंदों को राशन मिलता रहेगा, मुफ्त राशन दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री योजना के तहत मुफ्त राशन बांटने का कार्य किया जा रहा था और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद को अब बढ़ा दिया गया है। और इस खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरएन न्यूज़।